मेरे को आर्किटेक्ट अनिता कर को दी और आज मैं लेके आई हूँ आपकी एंट्रेंस के लिए कुछ ऐसे वास्तु टिप्स जो आपके घर को पॉजिटिव बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं हर जगह या स्थान की अपनी एक विशेष एनर्जी होती है, इसीलिए वास्तु में भी एंट्री डोर पर स्पेशली ध्यान दिया गया है, क्योंकि एंट्री डोर सिर्फ आपके या आपके गेस्ट के आने जाने की जगह पर नहीं है, बल्कि इसके थ्रू आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को भी प्रवेश दे सकते हैं, यानी हैप्पीनेस और खुशी को बढ़ा सकते हैं अपने इंटीरियर्स में। इन टिप्स पर और बात करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बात करते हैं किसी भी एंट्री डोर के डायरेक्शंस के बारे में। इसके लिए सबसे अच्छी डायरेक्शंस मानी जाती हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट। आपका एंट्री डोर घर के सभी बाकी डोर से साइज में बड़ा होना चाहिए, और ध्यान रखें कि इसको आप सिंगल शटर ना बनवाकर डबल शटर बनवाएं। अगर आपके एंट्री डोर तक जाने के लिए कुछ स्टेप्स ज़रूरी हैं तो ध्यान रखें कि ये स्टेप्स ऑड नंबर्स में होने चाहिए, यानी एक या तीन इस तरह से। अपने एंट्रेंस एरिया को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, ताकि जब आप अंदर बाहर आएँ या जाएँ तो आपको एक खुशी का एहसास हो। इसके लिए आप इस एरिया में फूलों वाले पौधे लगा सकते हैं, एंट्री डोर के दोनों तरफ आप पौधे लगा सकते हैं। इसके लिए आप गमलों को भी यूज़ कर सकते हैं। एंट्री डोर के आसपास लाइटिंग का स्पेशली ध्यान दें, यहाँ पर लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अंधेरा बिल्कुल ना रखें। अगर आपके एंट्री डोर के आसपास काफ़ी ब्लैंक वॉल स्पेस है तो इसे खाली बिल्कुल ना छोड़ें, बल्कि आर्टिक क्राफ्ट के थ्रू सजाने की कोशिश करें, खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर आप आर्टिक क्राफ्ट का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर कुछ स्टैचू भी लगा सकते हैं। मेन डोर के पास में नेम प्लेट जरूर लगाएं। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि नेम प्लेट आपके घर या ऑफिस के अंदर खुशी और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने में आपकी मदद करती है। ध्यान रखें कि मेन डोर को कभी भी दीवार के एकदम कोने पर नहीं बनवाएं, बल्कि कुछ फीट की दूरी के बाद ही मेन डोर लगवाना चाहिए, ऐसा अच्छा माना जाता है। मेन डोर के स्ट्रेंथ पर ध्यान दीजिए, ये काफ़ी मजबूत और सॉलिड होना चाहिए। इस दरवाजे के लिए लकड़ी को सबसे अच्छा मटेरियल माना जाता है, और साथ ही मेन डोर को दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत बनवाएं। अपने एंट्रेंस एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखें, यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा सामान ना रखें और डस्टबिन यहाँ पर रखने से अवॉइड करें। अपने एंट्री डोर के पास एक डोरमेट जरूर रखें, ये ना सिर्फ आपके शूज से मिट्टी और धूल को पहुँचेगा, बल्कि आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी को भी प्रवेश करने से रोकेगा, और इस तरह से आपके घर या ऑफिस में एंट्री डोर के थ्रू सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही एंटर कर पाएंगे। अगर आप अपने एंट्री डोर के आसपास से बेवजह का सामान सारा हटा देंगे और इसको ऑर्गेनाइज बना के रखेंगे, साथ ही दिखने में भी खूबसूरत बनाएंगे, और इस तरह से आपको हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी मिलती रहेगी, तो आप इन वास्तु टिप्स को फॉलो करें। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसी मिसकंसेप्शन है कि साउथ एंट्री हमेशा ख़राब होती है और इस तरह के जो हाउसेज हैं वो बड़े नेगेटिव रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वास्तु में दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं, तो आपका साउथ फेसिंग प्लॉट या रेजिडेंस भी एकदम परफेक्ट बन जाएगा और आपको प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। तो वास्तु टिप्स को फॉलो करते रहें। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और पॉजिटिव एनर्जी को बाकी लोगों तक भी पहुँचाने में हेल्प करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।